धनबाद व्यवहार न्यायालय में झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर कोरोना को लेकर कोविड वार रूम बनाए गए। 22 अप्रैल से संचालित वार रूम में अब तक 1000 लोग लाभ उठा चुके हैं। वार रूम के माध्यम से चिकित्सक मरीजों की समस्याओं का निदान करें। यही नहीं, डालसा की ओर से निःशुल्क मेडिसिन भी अदालत के कर्मियों को उनके घर तक पहुंचाई जा रही है। काल में सभी कोई अपने अपने स्तर से लोगों की जिंदगी बचने और बचाने के प्रयास में लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में व्यवहार न्यायालय और खास करके डालसा, वो अपने आप को कैसे अछूता रह सकता था। तो इस 28 कोर्ट में, धनबाद व्यवहार न्यायालय के 28 कोर्ट में पिछले 22 तारीख से वार रूम का एक बाजाबता कैंप लगाया गया है, जिसमें डालसा के सचिव और सिविल सर्जन, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रतिनियुक्त के एक डॉक्टर लगातार लोगों की परेशानियों को सुनते हैं, समझते हैं। क्योंकि ये अदालत से जुड़ा हुआ मामला है, तो कोशिश है जो अदालत के जितने स्टाफ हैं उनको किसी तरह का कोविड से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो सीधे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। तो सीधे डालसा के सचिव जुड़ेंगे। कच्छप साहब हैं सर, सोच क्या थी? चूँकि अभी तो ये महामारी का समय है और सब कोई को इसमें अपना योगदान देना है, बावजूद इसके कोर्ट है, कोर्ट का तो काम अलग होता है, इसमें ये इसको क्या लेकर किस तरह का सोच और कैसे इसको स्टार्ट किया गया? कोरोना महामारी के इस समय में झालसा झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस श्री अपरेश कुमार सिंह जी के विजन में ये ऐसा उनके निर्देश प्राप्त हुआ कि इस कोरोना महामारी में हमें भी लोगों के बीच जाकर इस महामारी में जहाँ तक हमसे संभव हो सके उनको सहायता पहुँचाना है। इसी परिकल्पना के अग्रसारण में सभी झारखंड के सभी जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से वार रूम का गठन किया गया है, जिसमें जिला प्रशासन का पूर्ण सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। सिविल सर्जन के द्वारा हमें मेडिकल की एक टीम, जिसमें डॉक्टर हरि नारायण प्रसाद और 4 पारा मेडिकल स्टाफ इस वार रूम में प्रतिनियुक्त किए गए हैं, जिनके माध्यम से हम लोग चिकित्सा सलाह और दवाइयाँ जो हैं वो उन्हें घर तक पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा अगर किन्हीं कोविड संक्रमित पेशेंट को या व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिशन कराना हो या गैस सिलेंडर मुहैया कराना हो, एम्बुलेंस उपलब्ध कराना हो, जिला प्रशासन के माध्यम से हम लोग इन्हीं उन्हें तक ये सुविधा उपलब्ध बीच का कड़ी बनते हैं, ताकि लोग बन रहे लोगों को परेशानी ना हो। इसके अलावा वार रूम के माध्यम से हम लोग जो कोरोना टेस्ट जो हो रहा है, RT-PCR, ट्रूनेट और RAT, ये सब टेस्ट भी हम लोग अपने यहाँ करा रहे हैं, लोगों को ये सुविधाएं उपलब्ध करा। न्यूज 11 भारत के लिए धनबाद से सहयोगी दिलीप के साथ अरुण बर्नवाल। इधर कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर झारखंड सरकार ने आगामी